नेपा के चेयरमैन मेरे छोटे भाई पन्नू जी सिंगल साहब, हमारे नौजवान दोस्तों भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, अभी जब मैं हमें चीन जी आ रहे थे तो उनके बेटे की याद आ रही थी, मैं उसको मिला तो नहीं था। अभी जी अपने आंसू को छुपा रहे थे और वो बेटा जो शहीद आदर भगत सिंह जी की सोच को लेकर निकला था, हम राजनीतिक लोग ही होते हैं, हम पॉलिटिशियन होते हैं, हम राष्ट्र में भी खेल जाते हैं, हम देशभक्ति में भी खेल जाते हैं, हम अपने मातृत्व को भी बेच देते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बड़े तिरंगे झंडे को भी बेच देते हैं। पर सवाल है कि आज शहीद आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, फातुल्लाह खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ उनके असूलों, उनकी विरासत को नई जनरेशन तक कैसे पहुंचा सके, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। और मैं बड़े सालों से इन चीजों को रिसर्च कर रहा हूं, पर जब जब शहीद आजम भगत सिंह जी का कहीं नाम आता है हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। जब स्टूडेंट से भी हम बोलते हैं, हमारा आते थे थोड़े घंटे का लेक्चर होता है, हमने भगत सिंह जी की किताबें नहीं पढ़ी है, हम तो कुछ उनके इतिहास को जानते हैं, जब उनके विचारों को लेके विचारों को बना लेते हैं। और जहां भी नौजवान होता है, नौजवान वही खड़ा हो जाता है। शहीद आजम भगत सिंह इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। हमने भगत सिंह जी को, उनके असूलों को हम देखते हैं, कौन से स्टेट के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से गांव के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जी को सच्चे दिल से माना जाता है। हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, इतने बम चले, इतनी गोलियां चली, बम भी फूलों की तरह लगते हैं और दर्दे भी गुलाब के फूलों की तरह लगते हैं, क्योंकि ये लड़ाई देश की आजादी की रक्षा की लड़ाई है। ये लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह जी की आजादी की कुर्बानियों से दी हुई आजादी की रक्षा की लड़ाई है। पर आंखों में आंसू उस वक्त आते हैं, दर्द उस वक्त होता है जब हर चीज कहीं ना कहीं दिखावा लगती है, जब हर चीज किसी और रूप में पेश किया जाता है। पर ऐसे जैसे पन्नू साहब काम कर रहे हैं, ऐसी संस्थाएं बहुत कम है। एक ग्रेजुएट है दिल्ली के अंदर, पिछले साल उन्होंने, नौजवानों ने मुझे बुलाया, मैं कहीं जाना था, मैं जा नहीं रहा था। मैं कहा यार ऐसे प्रोग्राम रखा होगा, पर मुझे वो पुलिस ऑफिसर पकड़ के ले गया। मैंने जब जाते हुए देखा ग्रेजुएट के अंदर, गाँव के अंदर निकला, लंबा गाँव था, मोटरसाइकिलों पे नौजवान जिसपे पीली पगड़ी पहनी हुई, खट्टी पगड़ी पहनी हुई, जगह जगह के ऊपर बड़े अच्छे कार्यक्रम थे, कैंडल लाइट जल रही थी, बड़ी अच्छी सजावट थी। को ट्रैक्टर पे था, को रिक्शा पे था, को स्कूटर पे था, को मोटरसाइकिल पे था। क्योंकि तो हम ये चीजों को जानने की कोशिश बड़ी करते हैं, सच्चाई कहां है, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानियों का सच कहां है और उसकी सच्चाई को कौन किस तरीके से पेश करता है। क्या फोटो खिंचाने के लिए पेश करता है, क्या समाज को दिखाने के लिए पेश करता है, या उस सच्चाई को जिस तरीके से अमित जी ने बोला कि नौजवानों तक कौन लेके जाएगा, वो उस तक पहुंचता है। ये चीजों को देखते हैं। बड़े सालों के बाद मुझे नरगढ़ बड़ा सूर्य पड़ गया, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये नौजवान बड़े मॉडर्न है, मैं उनको क्या समझाऊंगा, मदर सिंह जी का बताऊंगा, आजादी के ऊपर बताऊंगा।
नाम का कहते समझ पाएंगे। मैंने जब कहा जिंदगी मौत ना बन जाए, सवालों यारों मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, और जब भगत सिंह जी की कॉलेज की बातें की, वो आपकी तरह के स्टूडेंट था, उनकी उम्र शहादत की उम्र 23 साल, इतिहास लंबा, उम्र छोटी इतिहास लंबा, जब हम भी दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इतिहास भगत सिंह जी का लंबा होता जाएगा, जिसका नाम था भगत सिंह। मैंने सोच लिया हमारा हिंदुस्तान का स्टूडेंट नॉर्मल कितना मॉडर्न हो जाए, और जहां शहीद आजम भगत सिंह के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जब यह आवाज आएगी वो नौजवान उसी वक्त भगत सिंह जी को याद करते हुए भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। ये मैंने लिखा है, इसलिए अमित जी ने बोला कि नौजवानों तक हमारे पास आजादी के जमाने में बहुत है, कमी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे, सपाटू का काम, बिरला का, जलियांवाला बाग के शहीद, पर समझ नहीं आई भगत सिंह की ऐसी शक्ति, ऐसी एक ताकत उन सबके शहीदों के आशीर्वाद ने उनके ऊपर रख दी। यही हमारी निशानी है आजादी के जवानों की कुर्बानियों के खून की, जो हिंदुस्तान को आने वाले जनरेशन को एक नई सोच, एक नई दिशा, चाहे सरहदों पे हमारे दक्षिण भगत सिंह की हुई, फिर नौजवान थे, फिर आम व्यक्ति थे, साधारण परिवार से थे, फिर कौन थे, पर मैं इस चीज को नहीं मानता। भगत सिंह जी, मैं तो उनको कहता हूं कि हमारे गुरु थे, आजादी के भारत माता के एक सच्चे लाल, एक भारत माता के सच्चे सबूत, आजादी दिलाने वाले हमारे गुरु थे। मैं जब भी अपने घर से निकलता हूं, एक तरफ मेरे माता जी की, माता पिता की तस्वीर है, एक तरफ भगत सिंह जी की है, और मैं जाते वक्त जरूर और रोज जब भी दिल्ली होता हूं, मैं नहीं होता, मैं अपने लड़कों को कहता हूं मुझे कोई जरूर करा, कितना भी शहीद भगत सिंह के इतिहास को समाप्त करने की कोशिश करे, कमजोर करने की कोशिश करे, जिस तरीके से अभी साधु जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, शहीद भगत सिंह के नाम को कई सालों से समाप्त करने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की, उनके परिवारों को कमजोर करने की कोशिश की, उनकी विरासतों को कमजोर करने की कोशिश की, पर वो नाम ऐसा नाम है, वो नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता। जितना उसको को दबाने की कोशिश करेगा वो नाम उतना उभरता जाएगा, और हमारे नौजवानों के दिलों के अंदर एक नई चेतना, एक नई जागृति बनता जाएगा। क्या कभी राजनीतिक कहा है कहिए आपने भगत सिंह जी के परिवार को कि आपको राज्यसभा की टिकट दे देंगे, आप जरा जाके देशभक्ति की आवाज उठाइए पार्लियामेंट के अंदर, नहीं वो जय जरूर कहेंगे चुनाव लड़ने के, और ये परिवार सीधे परिवार है, इनको चलाकियां तो सुस्ती नहीं आती, ये भगत सिंह जी का परिवार है। हम इमोशनल हो जाते हैं जब वंदे मातरम भारत माता की आजादी की रक्षा, हम इमोशनल हो जाते हैं, पर दूसरे लोग इमोशनल नहीं होते। है आप में किसी में हिम्मत राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की, गुंडों को, बदमाशों को, चोरों को, लुटेरों को, घोटाले बाजों को 15-15 करोड़ की टिकट बांटते हैं राज्यसभा की, और देशभक्ति करने वालों के लिए उनकी विरासत हमेशा सुंदर है, इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए उसके पास आपके लिए नहीं है, जो पार्लियामेंट के अंदर आवाज हुआ ये आपके कहने लगे। एक प्रोफेसर हुसैनी वाला में भगत सिंह जी के चरणों में गए, राजगुरु सुखदेव जी के, उनको देख के जोर जोर से रोने लगे, और आप वही बुझा दी, वो बोलते हैं कि आपको भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आते हैं, कहते हैं आप रोए क्यों थे, आप तो हमें प्रणाम करने आए थे,
हमने तो देश को आजादी देने दी है, आपको हंसते रहना चाहिए, आप रोते ही रोते। कितना रोता मैं इसलिए था, जब चाहिए आप भगत सिंह राजपूत सुखदेव जी को फांसी के बाद उनके शरीरों को काट काट के सातवीं दरिया में फेंक दिया, जब फांसी का रास्ता तुम्हें भारत माता आजाद हुई, जब शरीरों के टुकड़ों को काट काट के फूट दिया सातवीं दरिया में, आजादी चाहिए आप भगत सिंह राजपूत सुखदेव साथ ही चली गई। वो क्यों कहा होगा उस पर फैसल आज हो क्या कहा है, हम राजनीति गुलामी में, हम राजनीति का परिवार में गुजर रहे हैं। अच्छा जी आप भगत सिंह जैसे अभी जी ने बोला, मैं बोलता हूं इनके पास तो इतिहास बहुत लंबा है कि जब चाहिए आप भगत सिंह राजपूत सुखदेव जी फांसी के फंदे को ढूंढने के लिए जा रहे थे, माता जी उनको मिलने आते हैं, अभी भी इनके बारे में ज्यादा बता सकते हैं, तो भगत सिंह जी की आंखों में आंसू होते हैं। भगत सिंह तो रो पड़ा, मैं क्या कहूंगी, मेरा भगत सिंह इतना बड़े, भगत सिंह मौत को फांसी को देख के रो पड़ा। भगत सिंह कहते नहीं, माँ मेरी ये आंखों में आंसू इसलिए है, जब फांसी के फंदे को राजपूत सुखदेव के हर पक्ष से चूमने के बाद ये घोड़े घोड़े अंग्रेजों से आधार हो जाकर के काले अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा, ये 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी ने बोला। और वही हुआ, घोड़े अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ, और आज की गिर रही राजनीति ने ये काले अंग्रेजों के हाथों में हम गुलाम हो गए। कौन सी अदा है, कौन सा हिंदुस्तान का कोई गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी, कोई इंसाफ देने वाला आदमी, मैं इंसाफ चाहता हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस गिर रही राजनीति हिंदुस्तान के दौर के अंदर अगर दूसरे तरफ एक